और अभी की ताजा खबरों में आपको बता दें कि परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने सोहना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें स्टेशन मास्टर और सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर पाए गए हैं। खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रजिस्टर में उनकी गैर हाजिरी लगाई है। उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उनका निवारण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के कर्मचारियों को हिदायत दी कि वो अपना काम निष्ठा से करें, क्योंकि हरियाणा रोडवेज आम जनता का, गरीब लोगों का जहाज होता है। मैं वहां से निकला हुआ था, बस स्टैंड पर सवारी थी उस पे, और मैंने सभी बस स्टैंड पे जब गया, वहाँ 7 लोगों में से 2 एब्सेंट थे, और मैंने कहा जो इतने यात्री हैं इनसे व्यवहार ठीक रखें, समय पे बस चलाएं, समय का ध्यान रखें और कुशल व्यवहार रखें। अगर किसी को जानकारी देने वाला होना चाहिए, जानकारी भी कोई बस के बारे में पता करता है कब आएगी कब आनी है, उसकी भी जानकारी समय पे दें, और उनसे जो आदमी का व्यवहार होना चाहिए वो सभ्य होना चाहिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, गरीब का हवाई जहाज है, और हरियाणा प्रदेश की उत्तर भारत में अपनी धूम है रोडवेज की, इसको सफल बनाना है, और इसको सब कहें हरियाणा रोडवेज से जो यहाँ के ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सब इस पर पूरी प्रयास साथ काम पर लगे। इस तरीके की शिकायत थी, आप अचानक पहुँच गए या क्या था, अचानक आपने बस स्टैंड देखा? नहीं, मैंने तो चाहे इसलिए क्या बार बार आई थी, बस लेट हो जाती है, समय पर नहीं पहुँचते। मुझे जानकारी मिली जो बस समय पर आ रही, आधा घंटा लेट थी। तो मैंने कहा सभी बसें बस स्टैंड से भीतर से होकर जाएँ, बाई रोड से निकलें, तो सवारी खड़ी रहती है बस स्टैंड में और बाहर से निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि सभी बसें बस स्टैंड के अंदर से होकर जाएँ और सवारियों को लेकर जाएँ।